फिल्मी दुनिया में अक्सर फिल्म के हीरो को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फिल्म में हीरोइन और विलन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिल्म के हीरो को आज भी बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस हीरो को औहदे हासिल करने के लिए एक इंसान अपनी जिंदगी लगा देता है, बॉलीवुड में एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसे हीरो का किरदार बिल्कुल रास नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने खलनायक का किरदार पर्दे पर निभाना ही ठीक समझा। तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास कर पाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 50 के दशक में अपने अभिनय के सफर की शुरुआत करने वाले प्रेमनाथ की, जिन्होंने अपने करियर में एक हीरो से लेकर खलनायक तक हर भूमिका को फिल्मी पर्दे पर उतारा और अपने हर किरदार को बखूबी जिया। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे अभिनेता और खलनायक प्रेमनाथ के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से हमारे इस खास कार्यक्रम में, वो सुहाने दिन में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में प्रेमनाथ को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जाना जाता था जिन्होंने बतौर हीरो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये स्टारडम रास नहीं आया और वो हीरो से बन गए खलनायक। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ। उनके पिताजी पुलिस के आईजी के पद पर कार्यरत थे और माता शिव भक्त थी। नन्हे प्रेमनाथ ने भी मां के साथ शिव भक्ति में अपना पूरा ध्यान लगाया, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। प्रेमनाथ जब महज 5 साल के थे, उनकी मां उन्हें इस विशाल दुनिया से अकेला छोड़ चली गई। उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। देश के बंटवारे के चलते उनका परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। खेल कूद के दिनों से ही उन्हें अभिनय का काफी शौक रहा, जिसके बाद 40 के दशक में अपने सपनों को उड़ान देने के लिए प्रेमनाथ ने माया नगरी मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई आकर उन्होंने पृथ्वी राज कपूर के पृथ्वी थिएटर में ज्वाइन किया और वहां होने वाले नाटकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साल 1948 में आई फिल्म अजीत से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन इस फिल्म से वो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कुछ खास कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद उसी साल आई राज कपूर की आग और साल 1949 में आई बरसात में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा और प्रेमनाथ इन फिल्मों से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में काफी सफल रहे। उन्होंने अपने करियर में इस सदी की हर सुपरहिट अदाकारा के साथ काम किया, जिसमें रमोला, मधुबाला, निगार सुल्तान, सुरैया और बीना राय जैसे अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं। साल 1953 में फिल्म औरत के निर्माण के दौरान वो अभिनेत्री बीना राय के करीब आए और दोनों प्यार में गिरफ्तार हो गए। उसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाया। बीना के साथ मिलकर प्रेमनाथ ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और पीएन बैनर्स की स्थापना की। उन्होंने इस बैनर तले कई फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद प्रेमनाथ ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र से अपना कदम पीछे कर लिया और अपना पूरा ध्यान अभिनय की ओर लगाने लगे। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया और लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया, लेकिन उन्होंने फिल्म में हीरो के किरदार को छोड़ बतौर खलनायक अपने पैर जमाने का तय किया और साल 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम में राय साहब के किरदार ने
दर्शकों के जहन में अपनी एक अलग जगह बना ली। इसके बाद ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी में प्रेमनाथ ने डिंपल के पिता का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा में निभाई गई उनकी भूमिका काफी लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कालीचरण, सन्यासी, सगाई, शोर, बादल, धर्म कर्म, लोफर, धन दौलत और बेईमान जैसी करीब 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से प्रेमनाथ ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था, जिसके चलते साल 1985 में आई फिल्म हम दोनों उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। लेकिन सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर को सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके बाद उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपने कदम आजमाए। उन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए वो देश भर में घूमे और अपने पार्टी के हित में कई भाषण दिए। लेकिन राजनीति का छल कपट भरा माहौल उन्हें ज्यादा दिन तक रास नहीं आया और कुछ ही सालों में उन्होंने राजनीतिक गलियारों से अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन जीवन में उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को यही नहीं रोका। इसके बाद वो एक साहित्यकार के रूप में दुनिया के सामने आए। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इतना ही नहीं, इसके बाद जो प्रेमनाथ ने किया वो किसी की भी सोच से परे था। उन्होंने आध्यात्म की ओर अपना रुख किया और तंत्र विद्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हिमालय में तपस्या कर वो मुंबई वापस आए, जिसके बाद ऐसा कहा गया कि उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से पृथ्वीराज कपूर को महायात्रा पर जाने से कई घंटों तक रोक कर रखा था। लेकिन शायद उसी तंत्र से वो अपने जीवन काल को नहीं रोक पाए। जी हाँ, 3 नवंबर 1992 की 3 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाला ये चेहरा इस दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रेमनाथ ने अपनी जीवन की आखिरी सांस ली। वे आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में लिया जाता है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। नमस्कार।